तो ये वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों की, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अपने पास एक माइक्रोस्कोप है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम स्टडी करें। तो अपने पास एक माइक्रोस्कोप है, फोकस आने मार का पेपर, और पेपर जो है ग्लास स्लैब के नीचे रखा हुआ, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस 3 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.+ ओवर द मार्क। हाउ शुड द माइक्रोस्कोप मूव टू गेट द मार्क फोकस अगेन। मतलब अगर मैं पहले पीस पेपर फोकस करता हूँ, माई फोकसिंग पेपर एंड देन ए ग्लास लेवल प्लेस ओवर इट, तो हाउ शुड माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर उठाना पड़ेगा। वो पहले क्वेश्चन को समझो। पहले का इनिशियल सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पर एक पीस ऑफ पेपर है, दिस इज़ द पीस ऑफ पेपर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज़ द मार्क, रेड कलर का मार्क है। तो अगर मैं इसको यहाँ से माइक्रोस्कोप से यहाँ से फोकस करता हूँ, आई वॉन्ट टू फोकस दिस पेपर बाय द माइक्रोस्कोप। तो अगर मैं इसको मैं फोकस करता हूँ, तो ये मान लो डिस्टेंस कुछ एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स है, और दिस इज़ द रियल डेप्थ ऑफ, ये यहाँ से रियल डेप्थ है, ठीक है। अब हुआ क्या कि इस मार्क के ऊपर, यहाँ पे एक मार्क के ऊपर एक ग्लास का स्लैब रख दिए, पुट द ग्लास स्लैब, और ये पेपर के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ग्लास स्लैब रख दिए। तो ये कहता जो माइक्रोस्कोप है, ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा वहीं पे फोकस करने के लिए उसको, ठीक है ना, वहीं फोकस करने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, जितना ये ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ये यहाँ पर इसका इमेज आ जाएगा, दिस इज़ द इमेज। तो इमेज ये वाली जो है, अगर ये माइक्रोस्कोप वाई ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, तो ये इमेज भी वाई ऊपर शिफ्ट हुआ होगा। समझ में आ गया? तो अगर ये वाई ऊपर शिफ्ट हुआ, तो ये जो अब जो ये वाली डिस्टेंस है, कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा, तुम्हें फील आ जाएगा, बहुत टाइम हो गया ब्लू से नहीं लिखे। तो ये वाली जो चीज़ थी, यहाँ से तुम देखोगे, अगर तुम जो थ्री इसकी जो थिकनेस है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर और यहाँ से एयर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, दिस इज़ द अपेरेंट डेप्थ, ये जो है अपेरेंट डेप्थ है, AD, अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ से, और ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ द रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। तो अगर ये रियल डेप्थ है, और तो आप फार्मूला पढ़े होगे, तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू। तो रियल डेप्थ ये है 3 है, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपना अपेरेंट डेप्थ 3 डिवाइडेड बाई 1.5। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो अपेरेंट डेप्थ जो है वो 2 आ जाएगा। मतलब ऊपर से ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से शिफ्ट कितना हो जाएगा, शिफ्ट मतलब यह वाई निकालना हो, तो रियल डेप्थ और मल्टीप्लाइड बाई अपेरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ 3 है और अपेरेंट डेप्थ यहाँ से 2 है, तो 1 सेंटीमीटर इमेज ऊपर शिफ्ट हुआ होगा, ठीक ना। तो ये जो इमेज है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर गया होगा। तो इस हिसाब से जो माइक्रोस्कोप है, उसको मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर करूँगा, तो दोबारा वहीं मैं फोकस कर पाऊँगा। मतलब ये है कि अपना बी ऑप्शन सही हो जाता है।